प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहु सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये रहा बल्लू का घर। अच्छा, सब लोग होशियार रहना। आत्माराम, मैं पहले से ही होशियार है, स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था। अरे होशियार मतलब चौकन्ने रहना, सतर्क रहना, अलर्ट रहना, अलर्ट। अंदर शायद मारामारी चल रही होगी। बीड़े, यू टर्न ले लो। पापड़ लाल, क्या यू टर्न ले लो? अरे हमारा फर्ज बनता है कि सोड़ी को सही सलामत घर ले जाना। आत्माराम, यू टर्न ले लो। अय्यर, सोड़ी हमारा दोस्त है, उसको सही सलामत घर ले जाना हमारा फर्ज है। अरे तुम दोनों क्या सास बहू की तरह एक दूसरे को ताने दे रहे हो? चलो अंदर चलो। एक बात ध्यान में रखो, अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग मारामारी नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों ने हमको मारा तो मुझे अगर किसी ने हाथ भी लगाया ना तो मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल, तुमने बल्लू परमजीत को देखा है? नहीं। वो तुम्हें एक मारेगा ना तो तुम पूरे के पूरे हिल जाओगे। अगर वो लोग कानून को हाथ में लेंगे तो हम कानून को साथ में लेंगे। चलो यार पुलिस को बुलाते। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को नहीं बुलाते, खामखा झमेला हो जाएगा। दो भाइयों के बीच का मामला, अपना सोड़ी भी अंदर फंसा हुआ है। पुलिस को बुलाना कैंसिल। मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या? मैं अंदर जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। हम अंदर जाते हैं और फिर अंदर जाकर देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। जिसका पलड़ा भारी होगा हम उसकी साइड से लड़ेंगे। पोपटलाल, किसी का भी पलड़ा भारी होने दो, हमको मारा मारी नहीं करना है। हाँ बोलिए रोशन भाभी। बीड़े भाई, उधर सब ठीक है ना? हम लोग जस्ट अभी पहुंचे हैं, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। पर इतनी देर कैसे हुई? इतनी देर कैसे हो गई? ट्रैफिक था। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अरे क्या ट्रैफिक था, इतनी रात को ट्रैफिक होता है? चलो चलो अंदर चलो। पहले कौन जाएगा? तुम उनको पहचानते हो ना? बरोबर है। क्या ढूंढ रहे हो? बेल। बेल नहीं, बेल। डोरबेल बजानी पड़ेगी ना, इतनी रात के दरवाजा कोई खुला नहीं रखा है, दरवाजा खुला है। तो फिर अब बेल नहीं बजाते? ये नहीं, मैं अभी। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लगता है झगड़ा खत्म हो गया। अरे देवा देवा, देखो देखो कैसे लड़कर गिर पड़े। अरे एम्बुलेंस को बुलाओ। आत्माराम, यह लोग लड़कर नहीं पार्टी कर गिर पड़े हैं। कमाल है, इन लोगों ने लड़ने के बाद भी पार्टी की। कैसा शिक्षक है तू, इतना सादा गणित तेरी समझ में नहीं आ रहा। सोड़ी दो भाइयों का समाधान करने नहीं, पार्टी करने यहाँ आया था। देखो सब कैसे फैला पड़ा है। ये देखो, ये तो सोड़ी का मोबाइल है ना? हाँ। सोड़ी किधर है? अरे वो क्या है? नहीं नहीं, वो तो
बल्लू है। नहीं, हम लोग तो सॉरी को ढूंढने आए हैं ना। हाँ, सापड़ ला। इधर ये चप, ले। ये देखो सॉरी। ओए पापा जी। देखो देखो कैसे अजगर की तरह फैल कर पड़ा है। आत्मारा, तुम और मेहता साहब सोडा जा पर क्या कह रहे थे कि हम लोग बहुत खुश नसीब है। हमारा यह दोस्त जिंदा दिल है, दोस्तों के काम के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये देखो अय्यर साहब, भीड़े नहीं, तुमने बोला था सोडा की दुकान पे। और पापड़ लाल, तुमने क्या बोला था? क्या? कि दूसरों की भलाई के लिए खुद का नुकसान जाने बिना भी खुद बढ़ता है। ये देखो। खरा है, खरा है यार, देखो ना, खुद का नुकसान देखे बिना पार्टी के लिए खुद पड़ा है। लेकिन इसमें हम तो बन गए ना बेवकूफ। आधी रात को हम अपनी नींद खराब करके इसके लिए परेशान हो रहे हैं, और अगर इसको पार्टी करनी थी तो हमें भी साथ में ले आता। अरे मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना सोड़ी पे। ये सोड़ी, सोड़ी चल घर चल, सोड़ी चल चल भाई सोड़ी। अरे इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। जी करता है इसको ना अभी के अभी सोफे पे खड़ा करके मुर्गा बना दूं। ए भाई सोड़ी, उठ भाई, चल भाई घर चल। ये क्या घर चल, क्या घर चल? इसको इस हालत में घर लेके गए तो रोशन भाभी इसको घर से निकाल देगी। अरे तो भीड़े निकालने दे, इसमें अपनी गलती है, इसकी यही सजा। क्या यही सजा पोपड़लाल? सॉरी, हमारा फ्रेंड है, वो नादान हो सकता है, हम नहीं। मैं बिल्कुल सही कहा यार तुमने, सोड़ी का ये घिनौना सच हमें रोशन भाभी से छुपाना चाहिए। हाँ हाँ रोशन भाभी बोलिए। भिड़े भाई, उधर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है रोशन भाभी, यहाँ पे सब कुछ शांत है। ओकराई जी, तारू लाख लाख शुक्र। मेरे रोशन की डर है। रोशन ना, ये क्या वो बल्लू के भाई को समझा रहा है। तो उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? अब उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? और परमजीता वाला, क्या करो तुम लोग, साउथ इंडियन पंजाबी वाला। नहीं नहीं रोशन भाभी, क्या है ना, सोड़ी अंदर की रूम में उनको बड़े शांति से समझा रहा है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पे भी बहुत शांति है, सुनिए। है ना? तो अच्छा अच्छा, आप लोग अभी के अभी घेर आ रहे हो ना? अभी? हाँ, क्यों? नहीं नहीं, अभी हम लोग घर नहीं आ सकते क्योंकि बबल्लू की भाभी कह रही थी कि अभी आप आए हो तो खाना खाकर ही जाओ। अभी इस वक्त? नहीं, क्या हुआ रोशन भाभी कि खाना शुरू होने से पहले ही झगड़ा शुरू हो गया, तो खाना रह गया। अभी झगड़ा खत्म हो गया है और खाना शुरू होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी आए हो तो खाना खाकर जाओ। अभी हमने मना किया तो वापस खाना बंद हो जाएगा और झगड़ा शुरू हो जाएगा, इसलिए हम लोग झगड़ा खाकर खाना खाकर कल सुबह तक आते हैं। क्या बोल रहा है ये? अपन ठीक है, कोई वांडो नहीं, आप लोग कल सुबह आराम से आ जाना, अभी मुझे कोई टेंशन नहीं। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके। वाहेगुरु जी, खुदाई जी, तारू लाख लाख शुक्र। हाँ, हम लोग सुबह तक यही रहेंगे। और कोई रास्ता है आइया? हाँ बबीता, बोलो। कहाँ हो तुम? मैं सोड़ी के दोस्त के घर पर हूँ। वहाँ क्या कर रहे हो, पार्टी करने गए हो क्या? पार्टी? पार्टी नहीं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, पार्टी नहीं बबीता। अरे आत्माराम, इतने रात को मेरे को पार्टी के लिए बुलाएगा? इतना बेवकूफ नहीं है वो। ए अय्यर, एक शिक्षक हूँ मैं, शिक्षक, आधी रात क्या तुम्हें दिन में भी नहीं बोलूंगा पार्टी करने के लिए मैं, समझाना। देखो अय्यर भाई, बबीता जी को ये समझाओ कि हम जो आए हैं यहाँ पर वो इसलिए आए हैं। हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं, प्रॉब्लम क्या हुआ है? तो अरे आत्माराम, पोपड़लाल, तुम लोग मेरे को बोलने दोगे? अरे बबीता, देखो क्या है कि सोड़ी के दोस्त को उसके बड़े भाई ने घर से निकाल दिया, तो सोड़ी उसके बड़े भाई को समझाने के लिए उसके घर पे आया।
अबे रोजना भाभी को ऐसा लगा कि यहाँ पर झगड़ा हो रहा है। करेक्ट। इसलिए मैं श्री आत्माराम श्री पोपटलाल यहाँ पर आए हैं। वहाँ पे झगड़ा हो रहा है? अय्यो। सुनो तुम वहाँ पे प्लीज कोई झगड़ा मत करना। अरे यहाँ पर झगड़ा नहीं चल रहा है, सब कॉम्प्रोमाइज हो गया है। देखो अभी आधी रात हो चुकी है, हम लोग सुबह आएंगे, ठीक है? तुम सो जाओ। अयर सुबह? हाँ अब सुबह होने में टाइम ही कितना बाकी है। बबीता तुम टेंशन मत लो, तुम सो जाओ। ओके ओके। अरे अभी ये सोचो कि करना क्या है। ये देखो कैसे खराटे लेकर सो रहे हैं, सोड़ी करे मजा और हमको मिले सजा। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम लोगों को सुबह तक यही रुकना है तो फिर क्यों ना हम भी। नहीं नहीं पोपटलाल, ये विचार कैंसल। क्या कैंसल आत्माराम? अरे बहुत दिनों से हम लोगों ने भी पार्टी नहीं की है, चलो पार्टी करते हैं। सोचो मत भिड़े, सोचो मत। हाँ क्या सोचो मत पोपटलाल, प्रसंग काय चल रहे काय। और मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे भी कुछ उसूल है। और मेरे उसूल समझ के... गया, पार्टी सिर्फ हम दोनों कर रहे हैं। हाँ भाई। हाँ यार भाई, आप ग्लास ढूंढो, मैं बॉटल ढूंढता हूँ। अभी तक बल्लू के घर पे हो यार? मुझे तो गोभी पुत्र और टब्बू सेना को घुमाने ले जाना है। बल्लू भैया, पप्पू, बल्लू तो यार, बल्लू उठ यार, उठ यार, पप्पू उठो भाई। तुम लोग भी पार्टी में आए थे और मुझे पता ही नहीं चला। ए सोड़ी, कैसा आदमी है तू, शर्म नहीं आती तुझे? रोशन भाभी को झूठ बोलकर यहाँ पार्टी करते हुए शर्म नहीं आती? अरे तुम्हारी वजह से हमको रात की नींद बिगाड़ कर इधर आना पड़ा। पर तुम लोग इधर आए क्यों? क्यों? अरे रोशन भाभी ने तुम्हें फोन किया, तब तुम लोग का झगड़ा चल रहा था ना। नहीं यार नहीं। अरे रोशन भाभी ने तुम्हारा झगड़ा फोन पे सुना और हाँ बाकी तुम्हारा फोन बंद हो गया था। और रोशन का फोन तो आया था। अरे ये बल्लू मुझसे टकरा गया तो मेरा फोन गिर गया। फोन फोन कितने है यार? ये रहा फोन, कितने इतने। और थैंक यू पप्पू। ये थैंक यू के बच्चे, मतलब तुम्हारा फोन गिरने की वजह से बंद हो गया था। हाँ। और रोशन भाभी को लगा कि तुम लोग का झगड़ा हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। काय मानुस है यार। ओ यारो, ओ सॉरी, ओ मेरी वजह से तुम लोगों को परेशानी हुई, रियली सॉरी। इट्स ओके सॉरी, लेकिन अब चलो घर चलते हैं, चलो। ओ हाँ यार, ओ मुझे गोगी पुत्र और टप्पू से ना वो घुमाने भी ले जाना। चलो 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 यार, चप्पल गिर। अरे बल्लू बल्लू यारा, ओए उठ यार उठ, जल्दी देर हो गई है। ओ सॉरी, गुड मॉर्निंग किया ना भाई तेरा। ओ बेबी साला यारा, चल मैंने जाना, मैं फटाफट अमर जीते ने उठावा। ओए अमर जीते बिडू पाजी, वो आप कब आए? मैं 5-6 मिनट हो गए हम लोग को आए हुए। वो भाई साहब को भी उठा? ओ बिडू पाजी, वो अभी कल सुबह ही उठेगा। अरे वाह, जोपू दे जोपू दे। ओ अमर जीते उठ यार, और सुबह हो गई, उठ। वाह भाई, कब? ओ अभी सुबह सुबह। अच्छा? हाँ। ओ यार अमर जीते, पार्टी शार्टी का मजा आ जाए यार। बेस्ट ऑफ लक फॉर कनाडा। और बता देना कनाडा वालों को, ओ इंडियन आया, इंडियन। आई लव इंडिया। हाँ यार, फिर पता नहीं तो कब मिलेगा। कब मिलेगा? आऊंगा ना एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। सच्ची? चंगा यार, अपना ख्याल रखी और फोन करता नहीं। सोच रहा मौज कर कनाडा जाके। बल्लू यारा यार, आनंद आ गया पार्टी शार्टी का, फिर जल्दी मिलने।
चल यारा, अब प्यारो यारो चलो। अच्छा अच्छा सोडी बल्लू जीते ओए अपनी यारी कितने ओए थे ये लोग सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? यार भाई क्या बात है, धन्यवाद, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। एक बार भी बंद नहीं पड़ी है, लेकिन कितनी धीरे चलती है। तू एक काम कर भिड़े, ये स्कूटर को बेच के ना साइड कार वाली साइकिल ले ले, इससे फास्ट चलेगी। ओ पप्पू शांत यार। ओ यारो, ओ मुझे तुम्हें एक बात कहनी है। ओ मुझे बचाने के लिए आप सबको थैंक यू, और मेरी वजह से तुम लोगों को जो तकलीफ हुई ना उसके लिए सॉरी। देख भाई सोड़ी, इस बार मदद की है, अगली बार नहीं करेंगे मदद। अरे वो पूरी रात बिगड़ गई है, अभी सुबह टाइम पास नहीं करते हैं। चलो घर पे। चलो भाई चलो। जान जाने जनार्दन और जोकर के जोड़े कहाँ से आ रही है सुबह सुबह? लाल, तुमने मेरे को जोकर बोला? मैंने आपका नाम लेकर जोकर बोला? नहीं। तो फिर ये तीनों शांत है तो आपने क्यों अपने आप पे ले लिया? इसका मतलब आप खुद ही अपने आप को जोकर मानते हो क्या? एक मिनट, और जॉन जाने जनार्दन कहाँ सा रहा है सुबह सुबह? अरे क्या बताए जेठालाल, याद है कल रात को सोडा शॉप पे हम सोडी की कितनी तारीफ कर रहे थे? हाँ भाई याद है ना। और उस वक्त सोडी साहब क्या कर रहे थे मालूम है आपको? अरे पप्पू जाने दे यार। नहीं नहीं क्यों जाने दे, आना दे पप्पू, सॉरी पोपटला लाना दो। अरे वो हुआ ऐसे की वो ऐसे कैसे नहीं मानेगा, पहले जुबान चलेगी फिर हाथ पांव चलेंगे। बोल रोशन बोल। हेलो रोशन। हेलो, छोड़ यार बल्लू ना मार देना। मैंने अभी रोशन को फोन किया था और वो गुस्से में जोर जोर से किसी को डांट रहा था। हाँ पोपटलाल, इस वक्त जाना जरूरी है, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं इस वक्त फोन करता तुम लोग को। यार लोग लड़कर नहीं पार्टी कर कर गिर पड़े हैं। क्या हुआ? ये बेस्ट पापा तो बेस्ट पार्टी करने वाले निकले, नाचो। अरे जेठा प्रात धीरे बोलो, रोशन सुन लेगी यार। हाँ तो सुनने दो, तुम्हारी वजह से कल रात को मुझे घर पे दया और बापूजी का कितना सुनना पड़ा मालूम है? नहीं। उसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। रोशन बाबे, ये तो रोशन बाबे। रोशन बाबे की कर रहे हो यार, पंगा हो जाएगा यार। हाँ? रोशन मुझे घर से निकाल देगी। हाँ? जेठालाल खामा का सोड़ी पे मुसीबत आ जाएगी। कल रात को मुझ पर भी मुसीबत आई थी, तुम में से कोई मुझे बचाने आया नहीं? अरे ओ समाज सेवक, अपन तर गप्पच बसावे, नहीं तर तुम पर भी मुसीबत आ सकती है। बुलाओ क्या माधवी भाभी को? बुलाओ रोशन बाबे। दोस्तों पुलिस का केस, बीवी का गुस्सा और बुरा वक्त, इन सब से हमेशा बचना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन क्या करें साहब, बच नहीं पाते। सोडी का इस वक्त बुरा वक्त चल रहा है, इसीलिए जेठालाल की वजह से रोशन भाभी सोडी पे गुस्सा होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप क्रिकेट में बैटिंग कर रहे हो, विकेट के आगे खड़े हो, बाउंसर बॉल का बहुत अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं। भगवान न करे कभी किस्मत ऐसी हो कि आप भूल जाए विकेट का है और आप विकेट के पीछे आगे खड़े हो जाए, तब तो आपका क्लीन बोल्ड होना बिल्कुल लाजमी है। अभी इस वक्त पार्टी प्रेमी सोडी को क्लीन बोल्ड करने के लिए जेठालाल ने रोशन भाभी को आवाज दे दी है। अब क्या होगा जब रोशन को यह पता चलेगा, क्या रिएक्शन होगा? अब मुझे नहीं पता कि क्या रिएक्शन होने वाला। अरे इन सब बातों के बीच में खास बात करना तो मैं आपसे भूल ही गया, आज आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 600वां एपिसोड पूरा हो रहा है। मित्रों ये बधाई की बात है आपके लिए और हमारे लिए, लेकिन निश्चित तौर पे 600वां एपिसोड, इतना बड़ा आंकड़ा संभव नहीं था अगर आपका प्यार नहीं होता। आपका प्यार हम पाते रहेंगे और आपको हंसी देते रहेंगे, हमें जरूरत है आपके प्यार और आशीर्वाद की। और यकीन मानिए अगर आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बना रहा तो हम इस राह पे आगे बढ़ते चले जाएंगे और इसी तरह से आप सभी के चेहरों पे हंसी लाते रहेंगे। बस आप हमें शुभकामनाएं दीजिए कि हम आपको हंसाते रहें। वैसे इस वक्त शुभकामनाओं की जरूरत सोडी को भी है। देखिए अगला एपिसोड, झूमिए हंसिए और ठहाके लगाइए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आपको भी बधाई, मुझे भी बधाई।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.